सिस्टम के डिजिटल क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। तो आप चलिए, आप अभी क्यूबीसी का जो सीरीज चला रहे थे उसी सीरीज में लूप का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, कैसे बनेगा, कौन सा क्वेश्चन है। जैसे कि पहले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लूप में हम ले रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम विच मेक एडिशन एंड एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। 10 नंबर को कैसे जोड़ेंगे, जो प्राकृतिक 10 संख्याएं हैं उसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे उसका एवरेज निकालेंगे। तो चलिए बिना रुके हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि प्रीवियस प्रोसीजर्स जैसे कि हम करते आ रहे हैं, वर्ड में पहले इसको टाइप कर लेंगे और टाइप करके क्यूबेसिक में पेस्ट कर देंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सी एल एस लिख दिए, 10 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का एडिशन है। तो 10 नेचुरल नंबर को चलाने के लिए एक लूप चलाएंगे, फॉर ए इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे लूप को। स्टार्ट करने के बाद ये हम लूप चलाएंगे 10 तक और हमेशा लूप को 1 से बढ़ा देंगे और 1 से घटा देंगे, स्टेप 1, ठीक है। और उसके बाद 10 नेचुरल नंबर को एडिशन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एक कोई वेरिएबल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए सम ले लेते हैं, सम प्लस ए को यहाँ से डाल देंगे और यहाँ से बस ये हो गया नेक्स्ट आपका, ये सम एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद 10 नंबर की एडिशन एक साथ होती है तो इसको लूप के अंदर में करेंगे और फिर हम जब एवरेज निकालेंगे, एवरेज तो एवरेज को सम से डिवाइड कर देंगे, सम से यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे, जो 10 संख्या 10 संख्या से डिवाइड करके और फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट जैसे यहाँ लिखते हैं सम, सम दे करके हम दे देते हैं, सम के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं जैसे सम, और फिर प्रिंट करके हम यहाँ से एवरेज को प्रिंट करते हैं, एवरेज एवरेज को प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये आपका हो गया 10 नेचुरल नंबर का एडिशन, और 10 नेचुरल नंबर का एडिशन हो गया, 10 नेचुरल नंबर का एवरेज हो गया। तो इसमें मान लीजिए आपको अगर कन्फ्यूजन हो, 10 नेचुरल नंबर तक 1 से लेकर 10 तक की संख्या का जोड़ लेंगे और जोड़ करके जितनी संख्या आएगी उसमें से 10 को उसको भाग दे देंगे। तो ये चलिए इसको टाइप तो कर लिया, टाइप करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्यूबेसिक में जा करके इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो भी पेस्ट किए तो ये प्रोग्राम अपने यहाँ पर रेंज हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करा लेते हैं, यहाँ से F5 की को प्रेस करेंगे, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्राम का जो भी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तो आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सम सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर में आपका आ गया 55 और एवरेज में आ गया 5.5। तो ये एग्जैक्ट इसका आंसर जो है एकदम सही है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो आंसर कैलकुलेट करने में तो मान लीजिए यहाँ से हम कोई सा भी आंसर आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए या फिर जैसे आपको यूज़ करना है उस चीज़ को आप यूज़ करके देख सकते हैं। मान लीजिए आपको दिक्कत हो, चलिए हम ही यहाँ पे जोड़ करके आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके दिखा देते हैं जो ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो यहाँ पे 10 नेचुरल नंबर्स को हम सबसे पहले जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो देखिए यहाँ पे 10 को जोड़े हैं तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 55। 55 को जब भाग देंगे 10 से तो यहाँ पे इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 5.5। तो आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, जो 10 नेचुरल नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वो उसका प्रोग्राम और आउटपुट आपका सही है। तो चलिए इस तरीके से लूप का सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज भी आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगती हो, कोई वीडियो में किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो, जैसे वॉइस अगर फास्ट हो, स्लो हो या फिर कुछ नहीं दिख रहा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कमेंट एरिया में कमेंट मेंशन करेंगे। थैंक्स।